का जो ट्यूटोरियल होगा वो होगा इन दो शेड से। मैंने बेस ऑलरेडी अप्लाई कर लिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और ब्लू शेड जो है वो मैंने अपने मिडिल टू फिंगर्स पे अप्लाई किया है, एंड बाकी के थ्री फिंगर्स पे लाइट शेड ऑफ ग्रे मैंने अप्लाई किया है। एंड नॉर्मल पेंट ब्रश जो 00 या 000 है अरुण, उससे आप, मैंने ये क्रिएट किए हैं पेटल्स। आप चाहिए तो जो नेल आर्ट किट की जो आती है ब्रश वो भी अप्लाई कर सकते, उससे भी यूज़ कर सकते हो। आई थॉट वाई नॉट टू गिव अ ट्राई, तो मैंने नॉर्मल पेंट ब्रश से ही ड्रॉ किया है एंड इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। एंड इस तरह से आराम से आप पेटल्स ड्रॉ कर सकते हो फ्लावर के। एंड मैंने ये सिर्फ दो शेड से क्रिएट किया है, आप चाहिए तो कोई और शेड के पेटल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। और ये हम थोड़ा सा फ्रेंच लुक नहीं, फ्रेंच नेल लुक देंगे विथ स्पंज ग्रे में। तो ये एक अच्छा, आप चाहिए तो ऐसे ही रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। आई थॉट के ट्राई करते हैं कैसा दिखता है, लेट्स सी। तो मैंने बाकी थ्री फिंगर्स पे जो है वो नीचे नीचे स्पंज से टैप टैप करके ये किया है। इसके बाद आप ट्रांसपेरेंट कलर की जो टॉप कोड आता है वो ज़रूर अप्लाई करें ताकि एक फिनिश लुक देता है अच्छा वाला। तो वो आप पक्का ट्राई करें, वो आप पक्का यूज़ करें, इससे नेल पेंट लॉन्ग लास्टिक भी हो जाती है एंड ऊपर से स्मूथ भी हो जाती है। एंड ये है इसका फाइनल लुक आज की ये जो नेल आर्ट है। और आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसे सेव करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का करें। एंड ये बीच में डॉट डॉट फ्लावर का मैं अप्लाई कर रही हूँ सो दैट ये एक अच्छा इफ़ेक्ट दे। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो, आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। एंड ये लास्ट में ऐसे कुछ तो भी दिखती है एंड इट लुक्स अमेजिंग। थैंक यू।